आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। मैनपुरी जनपद के विकासखंड कराल के गांव नगला खुंडे में 26 अगस्त को विवादित प्लॉट पर टेम्पू खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। एक ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी, जिसमें एक पक्ष के देवेंद्र कुमार पुत्र भरत सिंह व दूसरे पक्ष के योगराज पुत्र स्वर्गीय बाबूराम निवासी नगला खुंडे की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में एक पक्ष के नंदकिशोर परमानंद प्रांशु सुखवीर उर्फ राजेश पुत्रगण हाकिम सिंह निवासी नगला खुंडे तथा द्वितीय पक्ष के आनंद श्रीकृष्ण देवेंद्र राजेश पुत्रगण भारत सिंह निवासी नगला खुंडे पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अशोक कुमार क्षेत्राधिकारी करल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 29 अगस्त को सेफई बाईपास कुर्रा चौराहे से करीब 7:30 बजे अभियुक्त सुखवीर उर्फ राजेश प्रांशु पुत्रगण हाकिम सिंह निवासी नगला खुंडे को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गण सुखवीर उर्फ राजेश व प्रांशु के कब्जे से मृतक देवेंद्र की हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, दो देसी तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। 29 अगस्त को ही मुखबिर की सूचना पर ग्राम नगला अलाई रानीपुर रजवा पटरी से करीब 10:50 पर अभियुक्त श्री कृष्ण पुत्र भारत सिंह निवासी नगला खुंडे को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मृतक युवराज की हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार चौहान, SSI संजीव कुमार, उप निरीक्षक विकास भारती, विश्वेंद्र कौरव, रणधीर अजीत शामिल रहे। करेल से खबर हर पल के लिए हिमांशु जैन की खबर। हो रही है किस संबंध में हो रही है सर, डिटेल में बताने के लिए। दिनांक 26/8/21 को ग्राम नगला खुंडे में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई, फायरिंग हुई, जिसमें दो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों से मुकदमा लिखाया गया है, कार्रवाई चल रही है। दोनों पक्षों से 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है, और शेष जो भी गिरफ्तारी के लिए बाकी है उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। सर, वो गांव में बैनर लगा के आंदोलन भी कर रहे हैं, वो कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं आंदोलन में। कार्रवाई हम कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं।